क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी कहने हैं कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने। माननीय मोदी जी कहते हैं कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आजादी का अमृत काल चल रहा है और शताब्दी 25 साल बाद मनाई जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब शताब्दी मिले तब भी यही सरकार रहे। पहले आपको अगले 25 साल तक इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से आपको इस सरकार के साथ आपको बने रहना है। किसी के भटकाने, किसी के भरमाने में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सरकार पहली बार है। अभी रात के 9 बज रहे हैं, सारे जिला स्तरीय अधिकारीगण हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और किसी को नींद आती नहीं दिख रही होगी, सबके अंदर उतना ही जोश है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि ये आप लोगों की सेवा का हम लोगों को दुर्लभ मौका मिला। जब हम नौकरी में आए थे बहुत सारे लोग हमारे साथ पढ़ाई कर रहे थे, केवल मेरा ही सिलेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमें कहीं न कहीं से नियति में होगा कि मैं अमानगंज में कभी रहूंगा, अमानगंज के लोगों का दुख दर्द मैं दूर करूंगा, उनके लिए मैं काम करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था इसलिए मैं ही सिलेक्ट हुआ, क्योंकि भगवान किसी न किसी के निमित्त किसी को बनाता है और कुछ लोगों के काम करने के लिए हम लोगों को नियुक्त होते हैं। उसमें मैं आप लोगों का सौभाग्य से मैं आपके जिले में पिछले 2 साल से लगातार आप लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। निश्चित ही ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं बिल्कुल सच है, दुर्लभ मौका है, तो हम उस मौके को हम लोग गंवाना नहीं चाहते हैं और इसीलिए आप लोगों की सेवा के लिए मैं हम लोग उपस्थित हैं। मैं अध्यक्ष जी का मैं वास्तव में शुक्रगुजार हूँ, पहली नगर पालिका अध्यक्ष हैं जिन्होंने हमको फोन करके लगातार रोज हमें आमंत्रित किया था हमारे यहाँ कब आ रहे हैं। तो बाकी CMOs को मेरा डांट लगे, हमने तुम लोग तो हम बुलाते नहीं हो, अकेली हमारी नगर परिषद अध्यक्ष हैं जो चाहती हैं कि कलेक्टर उनके यहाँ, वरना लोग सोचते हैं बड़े अधिकारी नहीं आए, आएंगे 20 कमियां निकालेंगे, उल्टा सीधा डांट और लगाएंगे। तो निश्चित ही हमारी इतनी सरल हमारी नगर परिषद अध्यक्ष हैं जिनको आपके विकास के लिए इतनी ललक है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जो आपको ये नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में मिली है, और आप देश की बेटी हैं, आपको अमानगंज और बाकी और अपने गांव का आपको चिंता आप छोड़ दीजिए, ठीक है।